जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। वहां मैं नहीं जाना चाहती थी। शेरी और नताशा मुझे फोर्स कर रहे थे, दे वर इंसिस्टिंग मी दैट यू शुड गो। और नताशा ने तो मुझे रेफर किया था और मैंने कहा भी था कि देर हो जाएगी, बट शेरी बहुत इंसिस्ट कर रहा था। हमारे यहाँ यही रंग पहना जाता है, हमारी रीत है। और कौन सी कयामत आ गई? नहीं सो, मामा ठीक कह रहे हैं, अब इस तरह से हर बात को इग्नोर तो नहीं कर सकते ना, बात करनी होगी उससे। नहीं, आई मीन व्हाट डू यू मीन बाय दिस, क्या मतलब इस बात का? हाँ, खामोश हो जाओ लीजे, खामोश हो जाओ और अपोलोजाइज करो अभी। तो उसने अपना स्पेशल डे तुम्हारे इवेंट के लिए खराब कर दिया, ऊपर से तुम पूछताछ कर रही हो उससे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। नताशा, आई एम गिविंग यू अ लास्ट चांस, कल मामा का बर्थडे है, वहां पर आओ, उन्हें कंग्रेचुलेट करो और उनसे माफी मांगो, क्योंकि हमारा ये रिलेशनशिप उनकी दुआ के बगैर स्टार्ट नहीं हो सकता। वरना सलाम अलैकुम। क्या हाल है? सलाम अलैकुम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है नज़र भाई? बिल्कुल ठीक। एक्चुअली मैं आप लोगों को इनवाइट करने आया था, कल मामा का बर्थडे है, तो शेरी तो जब भी आए सो आए, आप और अंकल जल्द से जल्द आ जाइएगा, मामा को अच्छा लगेगा। एक्चुअली शी इज नॉट वेल, डॉक्टर ने सर्जरी भी बताई है, सो नहीं, हम जरूर आएंगे और नताशा भी आएगी। क्यों नताशा? कम से कम स्टोरी ऑफ माय लाइफ, डोंट वरी, आई विल मेक श्योर मैं इसको भी लेकर आऊंगी अपने साथ। क्या बात है, हमारी बहू अभी भी खफा है उससे, वो नहीं आई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, असल में वो और शेरी ना ऑफिस से डायरेक्ट आएंगे, लेकिन आपकी बहू ने ऑलरेडी मुझे आपका गिफ्ट दे दिया है कि इन केस उनको देर हो जाए आपका गिफ्ट आप तक पहुंच जाए। ये नताशा की तरफ से, और शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये मेरी तरफ से। ओह थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले मैं अपने समधी का गिफ्ट खोलती हूँ, देखो क्या दिया है मुझे मेरे समधी ने। वाओ, मेरी फेवरेट बुक, गुड है भाई। और अब मैं अलीजे ने क्या दिया है वो दे। व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉल, थैंक यू अलीजे, बहुत प्यारा है माशाल्लाह से। और अब देखती हूँ कि मेरी बहू ने क्या भेजा है मुझे। ओह वाओ, पश्मीना शॉल, मेरी फेवरेट है ये। क्या, मेरी बहू ने तो दो गिफ्ट भेजे मुझे। ये क्या, और रजा देखो, मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही, ये तो वही रिंग है ना जो हमने मंगनी पे दी थी। नताशा ने ना मुझे गिफ्ट नहीं भेजा, मंगनी तोड़ने का ऐलान किया है। हाउ क्रूअल, हाउ कुड शी। हमदानी, तुम जानते थे ना ये? मुझे तो नहीं पता था, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अलीजे, तुम नताशा को फोन करो, इसकी कोई जरूरत नहीं। अलीजे, आप किसी को फोन नहीं करेंगे। बाबा चलते हैं। हाँ चलते हैं। रजा बेटा, खुदा हाफिज। एक सेकेंड अली से, उसने कुछ बताया तो होगा ना, हुआ क्या है? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता था, मुझे तो बस यही पता था कि वो ऑफिस से आएगी और ये गिफ्ट। चलते हैं ना रजा, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। हम यहाँ मरी के कपड़े बना रहे हैं और वो बेवकूफ हमें पागल समझ रही है, जिद्दी कहीं की। हमदानी,
उसको जाकर मेरा पैगाम दे देना कि उसने जो कुछ भी हमारे साथ किया है ना, वो जिंदगी भर मैं भूलूंगी नहीं। परसों की दोस्ती और रजा की मोहब्बत का उसने ये सलाह दिया हमें। सुने प्लीज, आप बाबा को कुछ ना कहें, उनको कुछ नहीं पता था। अरे हमें तो पता था, हमें सब पता था, हमने इसको मना भी किया था रजा को कि इसके पीछे मत भागो, लेकिन ये तो सुनने को ही तैयार नहीं था। इसको पता नहीं क्या साइको पेशेंट लड़कियां ही पसंद आती है। भाभी बस बहुत हो गया, अलीजे चलो। और जो हमारे साथ हुआ वो ज्यादा नहीं है क्या? रजा शुक्र करो कि तुम बच गए। अलीजे तुम मकड़ी की जाल में फंस गई। तुमने कभी मकड़ी के जाल में मक्खी को फंसते हुए देखा है? Excuse me. हाँ लीजे, हेलो। बस मैं पहुंच रहा हूँ थोड़ी देर में। आंटी क्वेश्चन, और वो नताशा पहुंच गई? नहीं तुम मत आओ, हम निकल गए हैं। Why? Is the birthday over? हाँ ऐसा ही समझो। पापा मैं आपके लिए दवाई लाऊं? मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। पापा आप स्ट्रेस ना लेना। प्लीज पापा, देयर इज नथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन योर हेल्थ टू मी। बेटा हमें ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चों के बारे में जानते, लेकिन ऐसा नहीं है। पापा हम किसी के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं, नताशा, शेरी, हम सब अपने एक्शंस के रिएक्शंस के खुद जिम्मेदार हैं। ये नताशा कहाँ है पता करो, फोन करो उसे। फोन बंद जा रहा है, आप प्लीज रेस्ट करें। गुड बी फाइन। बहुत अच्छी बच्ची। मैं चेंज करके आ रही हूँ और फिर मैं आपके पास ही हूँ। एनर्जी फील। यार मुझे तो नहीं पता ना कुछ, और वैसे भी नताशा हर बात मुझे बताकर थोड़ी करती है। अच्छा तुम तो ठीक हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, बट स्टार थोड़े अपसेट हैं। अच्छा मैं देखती हूँ, तुम ना जल्दी आओ, आई मैनेज। आ रहा हूँ रास्ते में। ओके। इतने आराम से आई हो और अब अपने कमरे में जा रही हो? तुम में इतनी भी अकल नहीं है कि पूछ लो कि बूढ़े बाप के साथ क्या हो रहा है इतनी बेइज्जती के बाद? बाबा मैं ऑफिस गई थी, कुछ चिल नहीं कर रही थी, काम करती हूँ मैं। और जिस जहन्नुम से हम गुजर रहे हैं उसका क्या है? बोलने दो मुझे। तुम बीच में क्यों आ रही हो लीजे? तमीज से बात करो। जो कुछ तुमने हमारे साथ किया है, जो हमारी बेइज्जती है, तुम्हें उसका अंदाजा है? नताशा कोई इश्यूज आता है तो मुझसे बात कर लेती, शेरी से बात कर लेती, कोई और हल निकाल लेते। शू ऐसे करना मुनासिब नहीं था। लावारिस तो नहीं हो ना तुम? ये क्या वजह थी कि तुमने मुझे अलीजे को उसकी माँ के पास भेज दिया? इतनी बेइज्जती की उसने। बिल्कुल ठीक किया मैंने अलीजे को भेज कर। इसको ना भेजती और किसको भेजती? हाँ रजा की माँ और उसकी बहन की बेस्ट फ्रेंड के थ्रू अगर मैंने पैगाम पहुंचाया तो बिल्कुल ठीक किया। ये बात खत्म हो गई डैड, इट्स ओवर नाउ। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, इट्स नॉट अ बिग डील। तुम्हारे लिए बिग डील नहीं है लेकिन हमारे लिए है। तुम हमारे खानदान का फर्द हो, तुम्हारा हर गलत सही कदम उसका असर हम पर पड़ता है, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। टू बैड डैड, जो होना था ना वो हो गया। मेरी सुबह मीटिंग है, सो गुड नाइट। अब आप रिलैक्स करें बैठे। तुम अपने बाप के साथ
ऐसा सलूक करने का तसव्वुर भी कर सकती? पापा क्या पता क्या वजह हो, जो कुछ उनके बीच में है तो वही जानते हैं ना। आप प्लीज स्ट्रेस मत लें, आप मुझे क्यों लाए थे? इसीलिए ना, ताकि आप इमोशनली और फिजिकली स्ट्रेस फ्री हो सकें। तो बस शेरी और मैं संभाल लेंगे, प्लीज आप टेंशन मत लें। क्या हुआ? सॉरी डैड, मैं तो बस पहुंचने वाला था वहां पर। अच्छा हुआ तुम लिया है, हम दोनों काफी सुनकर आ रहे। Why is Natasha doing this? तुम्हें पता है वो कितनी हट धर्म है, तमीज से जवाब भी नहीं देती। पापा अब शेरी आ गए है ना, मैं और वो संभाल लेंगे, वो पूछ लेगा उससे। आप प्लीज स्ट्रेस मत लें, आपने खाना भी नहीं खाया। अच्छा छोड़े ना, अब तो बात खत्म हो गई है, चले आए खाना खाते। मैं खाना लगवाती हूँ। मैं नताशा से बात करता हूँ। लीव हर अलोन प्लीज। अलीज़े बहुत मुखलिस बच्चे, उसके वालदैन ने उसकी तरबियत बहुत अच्छी की है। बस मुझसे भूल होगी, मैं अपनी बेटी की ऐसी तरबियत नहीं कर सका, इसी ने मुझे संभाला। लेकिन नताशा भी तो आपका, उसको तो कोई परवाह ही नहीं है, अपने कमरे में जाकर बंद हो गई है, सही तरीके से जवाब भी नहीं देती। किस तरह की गुफ्तगू करती है लीजे के साथ, स्टूपिड गर्ल की। अच्छा रिलैक्स करें ना। तुम्हें पता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम मेरे अलावा किसी और चीज़ को देखो, चाहे वो लैपटॉप की स्क्रीन ही क्यों ना हो। रोज़ रोज़ के कामों की वजह से ना मेरा ऑफिस का काम बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे आज भी हाफ डे देना पड़ा। तुम तो अपने सारे काम करके आ रहे हो ना, अपना ऑफिशियल डिनर भी। देखो ऑफिस तुम्हारा भी है, नताशा का भी है, तो मेरा भी है। मेरे ऑफिस में काफ़ी मसाइल चल रहे हैं, दे गिविंग मी वार्निंग्स एवरी डे। तो तुम उन्हें फिक्स कर रही हो या मैं कर लूँ? तुम उन्हें क्यों फिक्स करोगे? मैं उनकी एम्प्लॉय हूँ, और मैं उनको क्यों फिक्स करूँ? मैं खुद को और अपने काम को क्यों फिक्स ना करूँ? अच्छा बताओ मुझे क्या हुआ? Sorry, I had a very bad day at work today. I really needed you with me. देखो मुझे तुम और तुम्हारी बहन समझ नहीं आते, लोग बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो। नताशा एक इंडिपेंडेंट स्मार्ट लड़की है, फिर उसने मेरे कंधे पे बंदूक रख के क्यों चलाई? आई मीन मुझे गिफ्ट रैप करके दे दिया कि देर हो रही है और तुम दे दो। That's not how it works. I'm sure कोई ना कोई वजह हुई होगी, वरना ऐसे डिसाइड ना करती। वैसे भी वो आंटी बहुत अनोइंग है। इधर देखो, तुम्हें ये सब पता था ना? नहीं, और तुम्हें इन सारी बातों में नताशा को ट्रस्ट करना चाहिए। ट्रस्ट? ये कन्नाइवेंस है। तुम्हें पता भी है तुम क्या बात कर रही हो? शेरी अपनी जंग किसी और के मैदान में नहीं लड़नी चाहिए। तुम भाभी हो उसकी। मैं उसकी माँ भी होती तो यही कहती, सही और गलत बात सीखने का कोई वक्त नहीं होता, यू कैन लर्न एट ऑल एजेस, और इंसान तो हमेशा सीखता रहता है। देखो शेरी, आई नो वो तुम्हारी बहन है, लेकिन डैड बूढ़ी है, इस उम्र में इंसान के लिए इज्जत से ज्यादा कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती। लाइट बंद कर दो, मुझे सो। Thank you.
इसमें कोई गुस्सा होने वाली बात नहीं है। लेकिन बाबा को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये जो अंधा एतमाद है ना, इस पर मुझे वैसे भी यकीन नहीं है। इसलिए अगर तुम्हें शहरी भाई की कोई भी कॉल आए या तुमसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार करें ना, तो कोई ज़रूरत नहीं है अटेंड करने की। वजह? वजह साफ है। अगर मेरे लिए किसी को भी तुम्हें कॉल करने का या तुमसे मिलने का हक है, तो वो सिर्फ मेरे घर वालों को है, मामा बाबा या लीजे को, लीजे के शौहर को नहीं। तुम्हारा एतमाद जीतना बहुत मुश्किल है। दो कॉफी तेज। बहरहाल जब तक मेरे एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते, बाबा वैसे भी किसी से नहीं मिलने वाले। उनका यही कहना है कि जब तक मेरी स्टडीज भी कंप्लीट हो जाती, वो किसी भी रिश्ते को नहीं एंटरटेन करेंगे। आजकल इंडिपेंडेंस किसी भी किस्म की सिक्योरिटी नहीं गारंटी करती रमज़ा। और वैसे भी ज़िंदगी कितनी भी प्लान कर लो, होने की डोर किसी और के हाथ में होती। तुम्हारा प्रॉब्लम तुम्हें पता है क्या है? कि तुम्हें हर डोर अपने हाथ में चाहिए। अच्छा रमज़ा, मेरी बात सुनो। क्या पता तुम शरी भाई को गलत समझ रही हो, वैसे ना हो। रिश्ते में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं। मेरी बहन उसकी पाबंद होगी, लेकिन मैं नहीं हूँ। इसलिए तुम बाबा के अलावा किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करोगे। मुझे तुम्हारे घर के गेट तक आने की इजाज़त भी नहीं है अभी, और तुम तैयारी तो ऐसे कर रही हो जैसे मेरी बारात आ रही हो। अच्छा एक बात बताओ, वो बाबा को मुझसे कोई एतराज़ तो नहीं है? क्यों होगा एतराज? मतलब मेरी अमेरिका की स्कॉलरशिप शेरी भाई की पोजीशन के सामने कुछ नहीं। तुम जानती हो उनकी जो स्टार्टअप है ना, वो पाकिस्तान के टॉप 10 स्टार्टअप्स में आता है। लेकिन मेरे माँ बाबा तुम्हें बहुत पहले से जानते हैं, वो किसी को भी ऐसे जज नहीं करते। इंसान सिर्फ अपने इल्म से बड़ा होता है। बाबा का यही मानना है, मेरा भी यही मानना है। कब तक? तुम्हें सेल्फ डाउट क्यों हो रहा है? क्यों ना हो, हम सब रेस के घोड़े हैं इस दुनिया में, हमारी बोली लगती है। प्लीज डोंट से दैट, तुम तो काफी सेंटिमेंटल फूल हो, सच अ लूजर, इडियट। अरे रिलैक्स, इतनी जल्दी एक साथ इतना कुछ? हाँ तो डिसअपॉइंट इतना ज्यादा किया है तुमने। तुम कितना इम्प्रेस हो शेरी जैसों से, हद है यार। सर कॉफी। इसलिए बेहतर यही होगा कि वो बात करो जो तुम्हें सूट करे। अभी और इसी वक्त मेरी बीवी से अपोलोजाइज करो, क्योंकि तुमने उसे फ्रेम किया, तुमने गेम खेली। बस चेरी, बस बस तुम करोगी। अगर दोबारा बस बोलो ना, जान ले लूंगा तुम्हारी। जरा जरा मुझे तबा करके तुझे क्या मिला। जल्दी क्या है, आराम से बैठ के नाश्ता करो ना। मैं बैठ नहीं सकती। सीधा सीधा कहो ना, हमें फेस नहीं करना चाहते। क्या बात कर रहे हो तुम, किसको फेस नहीं करना चाहती? मैं क्या? मैं हैं क्या? मैं बोलो, तुम्हें पता डैड यहां इस वक्त क्यों नहीं? बिकॉज ऑफ यू। आई मीन ठीक है तुम्हारी अपनी मर्जी, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर नहीं भी है तो होने चाहिए। ये जो भी तुमने ड्रामा किया ना, he doesn't deserve this. He doesn't deserve कि तुम इस तरह उनको embarrass करो। और जो भी तुमने गेम खेली ना, keep my wife and dad out of it. Please, spare them. अलीज़े तो spare नहीं हो सकती। No way. तुम्हें पता है कि मैं ऐसे ड्रामे नहीं करती हूँ, ना ही मैं इतनी petty हूँ। लेकिन ये जो ड्रामाबाजी इसने शुरू की है ना, इसका आखिरी एक्ट भी इसी को ही करना था। मैं तो किसी खाते में ही नहीं आती। नो, सारा गेम इनका था। रिश्ता हमने किया, तोड़ा इन्होंने, तो अंगूठी भी मैंने उन्हीं के हाथ भिजवा दी। What's such a big deal? It's fair and simple. Excuse me, are you in your senses? कुछ भी बोल रही हो, मेरा लेना देना ही क्या है? Listen, तुम्हें तो बहुत पसंद है ना रजा की अम्मी, क्योंकि वो तुम्हें बहुत फोन करती है। और हाँ, उसकी बहन भी तुम्हें मिलने आती है अलग से, जिसका इसने मुझे बताना मुनासिब नहीं समझा। हाँ आई थी तो क्या बात हुई थी? पूछो, पूछो उससे, ask her. आपको तो सब पता है, आप बता दें। आई टोल्ड यू
इस तरह की लड़कियां जब आती हैं ना, तो इधर की बात उधर और उधर की बात इधर जरूर होती है। तो आप बताएं ना, बात क्या थी? तुम वही करो ना जो तुम करना चाहती थी। तुम रमजा को रजा के साथ सेट कर दो। How could you stoop to this level? ये मत भूलो, वो सिर्फ उसकी नहीं, मेरी भी बहन है। तो मैं किसकी बहन हूँ? हाँ, तुम्हारी बीवी ने रजा की अम्मी को फोन किया, सब कुछ बता दिया, और ये भी कि कपड़े मैंने बशीर की बीवी को दे दिए थे। तुमने की थी ना ये कॉल? हाँ, ठीक है, तो फिर उसकी माँ को कॉल करके पूछ लो। मैं तो पार्टी पे थी नहीं, तो बताया किसने आपको? मेरे रिसोर्सेज हैं। कौन है आपके रिसोर्सेज? आवाज नीची। नहीं नहीं, आवाज तुम नीचे करो, बिकॉज इल्जाम भी तुम लगा रही हो। बशीर की बीवी सोफे के पास सफाई कर रही थी और उसने सुना इन सब की बातें करते हुए, और ये बात एक दफा नहीं हुई, बार बार हुई है। इतना पुराना रिश्ता टूटा भी तो अब ना, ये ना होती तो अभी भी ना टूटता। एक मुलाजमा ने तुमसे शिकायत की और तुमने बरसों पुराना रिश्ता तोड़ दिया। प्लीज, मैं बेवकूफ नहीं हूं और ना ही तुम अहमक हो, इसलिए बेहतर यही होगा कि वो बात करो जो तुम्हें सूट करे। अभी और इसी वक्त मेरी बीवी से अपोलोजाइज करो, क्योंकि तुमने उसे फ्रेम किया, तुमने गेम खेली है। तुम मेरे भाई नहीं हो। आई रियली हेट यू एंड आई नो यू सो वेल, यू नेवर लेट गो। आई विल नेवर अपोलोजाइज टू एनीवन। अगर यही बात रही तो हम साथ नहीं रह सकते। कौन तुम हो शेरी? बस जाने दो, कुछ काम मुझे भी करने दो, मैं संभाल लूंगा। मेरा दिल चाहता है मैं इसका। अच्छा ना, गुस्सा बहुत आ रहा है तो मेरे ऊपर उतार लो यार। नहीं शहरी, इसे बात करने की तमीज होनी चाहिए। Oh, what do you want now? हाँ? वैसे गलती तुम्हारी भी थी। मेरी? हाँ, मैंने उस वक्त कहा नहीं, लेकिन यू आर इक्वली टू ब्लेम। रजा, इधर आके बैठो। मैं जानती हूं बेटा कि तुम इस वक्त क्या फील कर रहे हो। उसने ऐसा क्यों किया है कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये मैं जानती हूं कि वो मुझसे नाराज है, इसीलिए रिंग मुझे वापस किए उसने। बेटा तुम कहो तो मैं उससे बात करूं? मेरे सामने की पली बड़ी बच्चे, मैं मनाऊंगी ना तो मान जाएगी वो? नहीं, मैं नहीं चाहता कि आप उससे कोई भी रابطہ करें। رابطہ तो खैर मेरा खुद भी नहीं हो रहा उससे, और वो शहरी, शहरी तक फोन नहीं उठा रहा मेरा। उनके घर में कोई सीधी बात कर सकता है तो वो अलीजे ही है। देखे, जब बात शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी है तो हमें इसे तकदीर का फैसला समझ लेना चाहिए, चाहे तकदीर जैसी भी। मम्मा वो कैसी भी हो, भैया को पसंद है, हम एक आखिरी कोशिश तो कर सकते हैं। आप बीच में ना पड़े, मैं और भाई इसका खुद कोई हल निकालते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। बेटा तुम पर कोई पाबंदी नहीं है, वो संभालना भी तुम्ही को है और दरगुजर भी तुमको ही करना होगा। मुझे यकीन है वो जो कह रही है वो ठीक नहीं है। रजा की माँ का फोन आया था, हो सकता है वो तुमसे बात करे। मैं ऑलरेडी बहुत बुरी बन चुकी हूँ, अब मैं अपने आप को मजीद इस मामले में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। नताशा मैच्योर है, आई एम श्योर उसने सोच समझ के ही फैसला लिया होगा। मुझे लगता है हमें उसको बिला वजह पुश नहीं करना चाहिए अब। क्या कह रही हो लिजे? ये तो बहुत बुरी खबर सुनाई है तुमने। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वो एक छोटी सी बात को, एक जोड़े को लेके उसने इतना बड़ा तमाशा बना दिया। मैं तो उस दिन ही समझ गई थी इवेंट वाले दिन के कुछ ना कुछ हो के रहेगा। तुम होती ना तो सब कुछ बड़े आराम से हो जाता बेटा।
देखो ना बेचारी, वो अपना ही उसका इवेंट था, वो अपना भी ख्याल करी, मेहमानों को भी देख रही है, फिर उसकी येली बोल गई एंड में। आप नताशा को नहीं जानती, मैं उसके गुस्से को अच्छी तरह जानती हूँ। उसको सिर्फ इस बात का गुस्सा है कि उसकी सास ने वही जोड़ा उसको ला के दिया जो उसने पहले नापसंद कर दिया था। मगर वो तो बहुत खुश थी, इतना लहक रही थी। तुमने ना बहुत नासमझी की, और नासमझी में ये सब कुछ तुमने किया, देख लो अब इसका नतीजा। हाँ, आप ना मुझे नताशा की बहन ही लग रही हैं। वो भी मुझे ये कह रहे हैं तुमने मेरी सास को ये कहा वो कहा, और आप। देखो बेटा, अगर मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगी तो कौन समझाएगा? अभी तो एक ही सानिया हुआ है, आगे आगे पता नहीं और क्या होगा। तुम्हें बहुत एहतियात बरतनी होगी बेटा। देखो नताशा की मदर नहीं है, लेकिन मैं तो भी जिंदा हूँ ना, मैं तुम्हें बता सकती हूँ ना कि क्या सही है और क्या नहीं। अभी बात दोनों घरानों में ही है, मसलहत की कोई गुंजाइश निकलती है ना तो निकालो। देखो तुम्हारी नंद अपने घर की हो जाएगी ना तो तुम ही सुकून से रहोगी। और हमदानी भाई भी तो यही कह रहे थे ना। हेलो, हाँ शेरी, बाहर हो आप? अच्छा, मैं खोलती हूँ, जस्ट अ सेक। हाँ शेरी से मैं इस बारे में कोई बात मत कीजिएगा, मैं इस बात मोर्चे पे बात नहीं करना चाहती। ठीक है, कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं घर वालों के मसले नहीं सुलझा सकती। ठीक है, ठीक है बेटा, डोंट वरी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? बिल्कुल ठीक हाँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा, और हाउ आर यू? अच्छा, क्या तुम आ गई, कैसी हो? तुम्हारे पाँव कैसा है? काफी बेहतर है। अच्छा चलो बैठो। काफी उदास थी इसलिए नहीं आया यहाँ पर। बच्चे स्टे लाइट नो शी डजंट, इसलिए तो लाया हूँ। अभी रास्ते में बात करते हैं, ठीक है? तुम्हारे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन प्लीज अपने ज़हन से ये शक तो निकालो। हाँ नताशा प्लीज, अगर मैंने भी कोई बात कह दी हो तो आई एम सो सॉरी, बट रजा तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। देखो अगर कोई बात थी तो मुझसे और शेरी से पहले डिस्कस कर लेती ना। पापा की तबीयत भी बहुत ख़राब है। किसी की तबीयत खराब होने के पीछे मैं रजा की माँ के टेंट्रम्स नहीं सह सकती लीजे। मैं फैसला एक बार करती। रजा की अम्मी तो लंदन चली जाएंगी, फिर सिर्फ तुम और रजा होगे। तुम्हें किसने कहा है कि वो वापस नहीं आएंगी लंदन से? मैं अपना कमाती हूँ, अपने घर में खुश हूँ, मुझे किसी के नीचे दबके रहने की आदत नहीं है लीजे। लेकिन तुम रजा को जानती हो और रजा तुम्हें। शादी में सच बोलूं तो कोई किसी को नहीं जानता। तुम्हें लगता है तुम शहरी को जानती हो? तुम कुछ भी नहीं जानती। Excuse me. पुश मत करो मुझे, वरना मैं इसे बहुत सुनोगे शेरी। जब बात खत्म हो गई तो खत्म हो गई। हेलो हेलो रमजा, कैसी हो? यार कल तुमसे मुलाकात ही नहीं हुई, मैं आई थी तुम अपनी फ्रेंड की तरफ गई थी। हाँ सुना है तुम अपने हरावल दस्ते के साथ आई थी। हाँ यार बहुत कुछ हो गया इन 3 दिनों में। अम्मी को तो बहुत ही अफसोस है, उनका बस नहीं चल रहा, कुछ भी करके ना सब कुछ ठीक कर दें।
तुम्हारा टफ टाइम शुरू हो गया। नताशा है तो बहन ही ना, बेशक शेरी की है मेरी नहीं। बहुत फर्क है, तुम ना बहुत जल्दी लोगों को फेस वैल्यू पे लेने लग जाती हो। जो कुछ पीछे हुआ है ना उसको भूला मत करो। लोग बदल जाते हैं, लोग सिर्फ रंग बदलते हैं। अच्छा रुको, somebody's calling. हेलो, do you use this? हाँ सुहा, कैसी हो? हाँ हाँ, मेरे तो लंच ब्रेक है। नीचे कॉफी शॉप? हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। हेलो, हाँ कौन था? वर्जा की बहन थी, कॉफी शॉप पे मिलने आई है। अलीजा चली जाओ, अब तुम बड़ी भाभी हो, माँ की जगह हो। नहीं यार ये बात नहीं है, मतलब शी डज नो काम, बट शहीद ने मुझे कहा था कि अब बात ख़त्म हो गई है तो आगे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। बट आई थिंक मैं चली जाती हूँ, रजा की बहन है, मैं मिल लेती हूँ। ओके बाय। सो आई एम नॉट इन द पोजिशन टू टॉक अबाउट दिस, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं, आखिर को आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। साहब आप मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करें, आई एम नॉट इन एनी पोजीशन टू टॉक अबाउट दिस। आई अंडरस्टैंड, लेकिन ना वो बात कर रही है ना जवाब दे रही है। आई मीन ये मुझे पता है कि उसका मामा के साथ इशू है, लेकिन मेन बात क्या है? आई जस्ट डोंट गेट इट। आई थिंक आप लोग उन सबको मुझसे पहले जानते हैं, तो ये इशू आप लोग ही सॉल्व करें तो बेहतर होगा। हम टेबल रिजर्व करते हैं, आप दोनों भी आ जाइएगा। भाभी मुझसे यही पूछ रही थी, इतने बरसों की दोस्ती है, तुम बात ना कर रहा, मैं खुद बात करूं। ऐसे जाने पहचाने लोग मिलते ही कहाँ। हेलो हेलो, क्या बातें हो रही हैं यहाँ पर? कुछ नहीं, बस मैं ऐसे यही बता रहा था कि जब बहू घर में नहीं होती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम बताओ ऑफिस कैसा रहा? हाँ मेरा दिन तो ठीक था, तुम बताओ कैसा रहा तुम्हारा दिन? सही रहे एक्टिविटी? बेटा ऑफिस पे एक्टिविटी नहीं होती, काम होता है, काम करके थक गई है बेचारी। मुझे तो खासी फ्रेश लग रही है। चाय नहीं, कॉफी ला दो मुझे। बशीर, मैंने ऐसे कहा है ना, यही ला के देगी मुझे। कॉफी प्लीज। मेरी बात सुने डैड, आपने हर बात जरूर करनी होती है। बेटा तुम पल में तोला पल में माशा बन जाते हो, अपनी आदत को बदलो। मैंने तुम्हें वार्न किया लेकिन तुम अपनी आदत को नहीं बदलते। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है, तुम ऐसे हो भी नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड? यस, आई हैव माय डाउट सीरियस। पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता है, अगर कॉफी पीनी नहीं थी तो बनवाने की क्या जरूरत थी? कुछ समझ नहीं आता मुझे, देख के तुम्हें हो क्या जाता है। कॉफी पीने पिलाने का तो बहुत शौक है ना तुम्हें, लेकिन मेरे लिए बनाते हुए तकलीफ होती है तुम्हें। नो वंडर। क्या बात हो रही थी तुम्हारी डैड से? ये अचानक क्या ट्रिगर कर जाता है तुम्हें, आते साथ ही ऑर्डर देना शुरू कर देते हो। साफ बात करो, क्या कर रही थी तुम आज रजा के साथ? मैं नहीं, मैं
यस यू। बताओ मुझे क्यों मिली हो तुम उससे? सही कहती है मेरी बहन, उससे ज्यादा इंटरेस्टेड तो वो तुम में। मैं रजा से नहीं, सोहा से मिली थी। सोहा आई थी मुझसे मिलने। अच्छा, और वो ट्रांसफॉर्म होकर रजा बन गई? हाँ यार, मुझे सोहा की कॉल आई थी 2 बजे। ये देखो, ये तो रजा का नंबर है। और इससे पहले रमजा की कौन? ओ, समझ गया मैं। तुमने सोचा मेरी बहन का पता कट गया तो अपनी बहन को फिट कर देती हूं मैं। मालदार पार्टी है ना। सही कहती है मेरी बहन, कनाइविंग वो नहीं, कनाइविंग तुम हो। सास पास करने वाली लेकिन सबके साथ अच्छी। क्यों मिली थी तुम रजा से? मैं उससे नहीं मिली थी, मैं सोहा से मिली थी। सोहा मुझसे मिलने आई थी और उसके साथ रजा आ गया था। और अगर वो आ भी गया है तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? वो तुम्हारी बहन का मंगेतर है, उसी के बारे में बात करने आया था ना। चीख क्यों रही हो? चीखता वही है जिसके दिल में चोर हो। बस चेरी, बस बस तुम करोगी। अगर दोबारा बस बोलो ना, जान ले लूंगा तुम्हारी। झूठी हो तुम, झूठी। मैं झूठ नहीं बोलती, कभी ये तो कभी वो। चाहते क्या हो तुम मुझसे? ओ, मुझसे पूछ रही हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ? क्यों, कोई और चाहने वाला मिल गया क्या? Stay here! तुम इस कमरे से बाहर कदम नहीं रखोगी। Sit down! बॉस, 5 कॉल्स। हैरी, मेरी कॉन्फ्रेंस कॉल है, कल बहुत इंपॉर्टेंट फैसला लेना है ऑफिस में। ये बात तुम्हें उस वक्त सोचनी चाहिए थी ना, मुझसे झूठ बोलने से पहले। नताइश से तुम्हें पता होने चाहिए ना। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया शेरी, तू डैड से पूछ लो, उन्होंने मुझे रोका था, वरना मैं तुमसे क्यों छुपाती? छुप छुप के रजा की माँ से तुम मिलती रही, हमारी फैमिली की बातें करती रही। बहुत मुश्किल से नताशा को चुप कराया मैंने, लेकिन पता है मुझे प्रिंसिपल्ड है वो। वो प्रिंसिपल्ड है जिसमें इतना मॉरल करेज नहीं कि वो अपनी मंगनी खुद लोगों के सामने तोड़ सके, वो प्रिंसिपल्ड है। तुमने मजबूर किया उसे, तुम्हारे आने से पहले कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी। अगर कल ऑफिस जाना है ना, चुप रहना आप। बल्कि कल तुम्हें छोड़ने भी मैं जाऊंगा और पिक भी मैं ही करूंगा। जरा जरा मुझे दबा करके तुझे क्या मिला।